हेलो हेलो हेलो, आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग उन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है और जिनके वैल्यूज पे वो जाने जाते हैं। ठीक है, जो आजकल के दिन में रोल मॉडल बन चुके हैं, उनके वैल्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके फिलोसफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बिहेवियरल ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग अपने हाथ में नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, सिंपल सा बात है। और साथ ही साथ लिखते भी रहिएगा, मैं पढ़ाते रहूंगा, आप लोग लिखते रहिएगा इसको। ठीक है, यही आपके नोट्स है, हैंड रिटन नोट सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम ये धीरू भाई अंबानी जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक चीज बोला है, इफ यू बिल्ट योर ड्रीम, someone else will hire you to help them, मतलब ये build theirs। यानी कि अगर आप अपने सपने को पूरे नहीं करते हो तो कोई अपना सपना को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। आप मेरी बातों को गहराई से समझिए, अगर आप अपने सपने को पूरे नहीं करते हो तो कोई अपना सपना पूरा करने के लिए आपको हायर करेगा। इस महान इंसान ने ये कोट बोला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही ऐसे गुड बिजनेस फिलोसफीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी। भैया ये कौन है धीरज लाल हीराचंद अंबानी? भाई धीरू अंबानी को ही बोलते हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी, इनका ही शॉर्ट नेम है धीरू भाई अंबानी। तो मतलब वापस एक कोट इन्होंने बोला है कि थिंक बिग और थिंक फास्ट और थिंक अहेड। इन्होंने बोला थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वन्स मोनोपोली। यानी कि हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा जल्दी सोचो और हमेशा सबसे आगे सोचो, क्योंकि आइडिया का कोई भी मोनोपोली नहीं है, आइडिया का कोई भी मोनोपोली नहीं है। ठीक है, इसी तरह आफरीन अंसारी जी ने क्या बोला है, नथिंग और नोबडी एल्स कैन एक्सेप्ट यू, कैन स्टॉप यू फ्रॉम बींग एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता एंटरप्रेन्योर बनने से, लेकिन तुम खुद को रोक सकते हो। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम खुद को रोकना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, कोई जन्नत तुमको नहीं रोक सकता एंटरप्रेन्योर बनने से। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बनोगे, सिंपल सा बात है, बस तुम्हारी मर्जी रहना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद सचिन एंड बिनी बंसल, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, अभी नहीं है, अभी तो वॉलमार्ट है फ्लिपकार्ट का फाउंडर, फ्लिपकार्ट मतलब का सीईओ वॉलमार्ट है। तो लेकिन सचिन एंड बिनी बंसल फाउंडर थे, ठीक है, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को बनाया था। इन्होंने क्या ज्ञान दिया था, देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला था द कोर ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न मनी। यानी कि हर बिजनेस का मेन मोटिव तो यही रहता है ना, अर्निंग मनी। यू हैव नॉट डन योर जॉब वेल अंटिल यू फाइंड ए स्ट्रेंजर हु इज विलिंग टू ओपन हिज वॉलेट टू You money for the service, ठीक है? तो जब तक तुमको एक स्ट्रेंजर आके अपने मर्जी से पॉकेट से पैसा निकाल के ना दे दे, तब तक तुम समझना कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया है, अपनी मर्जी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका थॉट है, सिंपल सा बात है। इसके बाद रितेश अग्रवाल भैया कौन है, ओयो का ओयो रूम का फाउंडर। ओयो को तो आप लोग जानते ही होंगे, हंस क्यों रहे हो बदमाश। रितेश अग्रवाल ओयो रूम का जो फाउंडर है, इन्होंने बोला है, देखिए, इट इज एक्सट्रीमली टू इंपॉर्टेंट टू बिल्ड समथिंग दैट 100 पीपल एब्सोल्यूटली लव यूजिंग रादर देन मेक समथिंग दैट 1000 पीपल वुड जस्ट। यानी कि 1000 लोगों को सर्विस देने से अच्छा है मैं 100 लोगों को ही सर्विस दूंगा, लेकिन उस 100 लोगों को ऐसे सर्विस दूंगा कि वो उस सर्विस को देख के एकदम लव करेंगे, है ना। 1000 लोगों को ठीक से सर्विस देने से अच्छा है मैं 100 लोगों को ही सर्विस दूंगा, लेकिन वो 100 लोगों को बेस्ट सर्विस दूंगा जिससे वो बार बार घूम के आएंगे, इनका ये थॉट है। इसके बाद कुणाल शाह फ्री चार्ज का फाउंडर, इन्होंने बोला है इफ यू फुली एक्सेप्ट द वर्स्ट ये मतलब ये दैट कैन एवर हैपेंस इन योर जर्नी, फियर वोंट एवर बी एन ऑब्स्टेकल इन स्टेयरिंग अप। यानी कि अगर आप अपने दुख के दिन ऑलरेडी देख चुके हो, आप
एक्सट्रीमली दुख के दिन देख चुके हो तो आपको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर छोटा मोटा दुख भी आ जाए फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में थोड़ा मोटा ऑब्स्टेकल भी आ गया तो आपको कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं होगी। इन्होंने बोला है, कुणाल शाह ने बोला है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे बड़े बड़े यंग यंग एंटरप्रेन्योर लोग ऐसे बोलते रहते हैं। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनिए और आप भी, आपका भी नाम आएगा, आपका भी नाम ईडी में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एकता कपूर के बारे में। एकता जितेंद्र कपूर वॉज बॉर्न इन 7 जून 1975। शी स्टार्टेड हर करियर बाय टेकिंग रुपीज ऑफ 50,000, यानी कि 50,000 रुपए से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद आज के दिन में ये एक बहुत बड़ी टीवी एंड फिल्म प्रोड्यूसर है। यस दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी टीवी एंड फिल्म। आइए फिर इनके वैल्यूज क्या क्या है। इनके वैल्यूज है, मतलब ये कंप्लीट बिलीव इन फैमिली ट्रेडिशंस एंड फैमिली वैल्यूज, यानी कि ये हमेशा फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, फैमिली वैल्यूज को फॉलो करती है। इसके बाद हमेशा वो जो डिसीजन लेती है इंस्टिंक्ट पे लेती है, मतलब कि सिक्स सेंस पे लेती है, मतलब कि सिक्स सेंस पे डिसीजन लेती है, यानी कि उनका छठा सेंस जो कहता है वो सारे डिसीजंस को वो लेती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा परसिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करती है। और इनका यहां पे बिजनेस फिलोसफी क्या है, एक्सपांड आफ्टर ए हम्बल बिगिनिंग। मतलब यहां पे थोड़े से मैं स्लोली बिगिनिंग कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं सीधा एक्सपांड करूंगा, है ना। इसके बाद इन्होंने बोला है कि नो रिस्क इन द बिजनेस, मतलब कि यानी कि कोई भी बिजनेस में आपको रिस्क, मतलब कि कोई भी बिजनेस में आपको रेस्ट नहीं लेना है, रेस्टलेस काम करना है, मतलब कि 24 घंटा आपको काम करना है, ये इनका मानना है। इसके बाद हर बिहेवियरल ओरिएंटेशन, सबसे पहले तो ये सिंप्लिसिटी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑनेस्टी में काम करती है, इनोवेशन करना इनको अच्छे से आता है, इनोवेट करती है। एग्जाम्पल लीजिए कि मतलब कि सबसे पहले तो MP4 फॉर्मेट में, मतलब एक टीवी का शूटिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद HD फॉर्मेट में हुआ, इसके बाद और भी, लाइक अपने को इनोवेशन करने में बहुत मजा आता है। एकता कपूर को इनोवेशन करने में, यानी कि टेक्नोलॉजी को चेंज करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकता कपूर के बारे में, जो कि बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर है, जो कि धुन ताना वाला सीरियल बनाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंद्रा लूथरा के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्ष भास्कर के बारे में, जो कि कोटा ट्यूटोरियल चलाते हैं, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव राइट टू डिचे स्टोरी, यानी कि वो जन्म से अमीर नहीं थे, वो एक छोटे जाति के थे, यानी कि जाटव कास्ट के थे वो, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको, मतलब फैमिली लेदर शू मेकिंग बिजनेस में ही ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखा और वो बहुत अच्छे भी थे स्टडीज में, और IIT को क्रैक किया, IIT रुड़की में उन्होंने एडमिशन लिया। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि उनके वैल्यूज क्या क्या थे। उनके वैल्यूज थे सबसे पहले कि हमेशा परसिस्टेंट रहना है, हमेशा ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन के साथ रहना है। इसके बाद ये फायर ब्रांड इनका जो था, ये मतलब ये वैल्यूज था, ठीक है। इसके बाद इनका मतलब ये बिजनेस फिलोसफी क्या था, ए गुड बिजनेस प्लान वुड ऑलवेज वर्क। इनका मानना है कि हमेशा एक अगर अच्छा प्लान बनाओगे तो वो हमेशा काम करेगा। और इनका जो बिहेवियरल ओरिएंटेशन था वो कैसा था, सबसे पहले तो एकदम वो ब्रिलियंट थे और टीम स्पिरिट उनके अंदर ही थे, है ना, मतलब कि ब्रिलियंट थे और टीम स्पिरिट थे और ये रेबलनेस थे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, आइए बैक। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल मॉडल इन द स्टार्टअप डोमेन, यानी कि स्टार्टअप सेक्टर में कौन कौन ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, कौन कौन ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप डोमेन में रोल मॉडल बन चुके हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे दीप कालरा के बारे में। किसके बारे में, दीप कालरा के बारे में, ठीक है। तो दीप कालरा इज द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ मेक माई ट्रिप, यानी कि मेक माई ट्रिप के सीईओ कहलाते हैं दीप कालरा साहब। इंडिया लीडिंग ऑनलाइन
ट्रैवल पोर्टल एंड IIMA एल्युमिनियस डीप लॉन्च्ड मेक माय ट्रिप इन 2000, यानी कि 2000 के जमाने में ये मेक माय ट्रिप लॉन्च हुआ था एंड हैज ट्रैवर्स्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ द इंडियन ऑनलाइन स्पेस. डीप हैज स्ट्रॉन्गली एसेंटुएटेड द फैक्ट दैट एंटरप्रेन्योर शुड नॉट स्टार्ट अप फोकसिंग ऑन एग्जिट. यानी कि दीप का ये मानना है कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, दीप कालरा का ये मानना है कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो तो तुम्हें एग्जिट के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें निकलने के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, हमेशा लगे रहना पड़ेगा, फिर ही तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे. ठीक है, इतना क्लियर है. नेक्स्ट, किशोर बियानी. किशोर बियानी, किशोर बियानी सीईओ है पैंटालूंस का. तो यहां पे पढ़िए, किशोर बियानी इज द सीईओ ऑफ द फ्यूचर ग्रुप एंड द एमडी ऑफ पैंटालून रिटेल. यहां पे लिखा हुआ है बियानी फ्यूचर्स ग्रुप हैज ओवर 17 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस इन 90 सिटीज. यानी कि 90 सिटीज में फैला हुआ है, 60 रूरल लोकेशंस में फैला हुआ है. सिंपल सा बात है, कोलकाता में दिखते हो कि नहीं पैंटालूंस, तो वैसे ही हर जगह पे फैला हुआ है पैंटालूंस. तो 90 सिटीज में फैला हुआ है, 60 डिटेल लोकेशन, 60 रूरल लोकेशंस में फैला हुआ है. ठीक है, ओके. और किशोर एक को मतलब कि ऑथर थे एक बुक का. किशोर इज ऑल्सो द को ऑथर ऑफ द बुक इट हैपेंड इन इंडिया. उस बुक का क्या नाम था, इट हैपेंड इन इंडिया. इट इज द स्टोरी ऑफ पैंटालून. उस बुक में मतलब ये पैंटालून के स्टोरी लिखा हुआ है, बिग बाजार का स्टोरी लिखा हुआ है, सेंट्रल एंड ग्रेट इंडियन कंज्यूमर. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे महेश मूर्ति के बारे में. किसके बारे में, महेश मूर्ति के बारे में. तो महेश मूर्ति इज ए फाउंडिंग पार्टनर ऑफ ए सीड फंड. यानी कि सीड फंड का फाउंडिंग पार्टनर कहलाता है महेश मूर्ति एंड हैज ओवर 26 इयर्स ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस. इनका 26 साल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ विच 15 इयर्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग. यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते करते इनको 15 साल हो गए. आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ ए कॉलेज महेश सोल्ड वैक्यूम क्लीनर फ्रॉम डोर टू डोर. यानी कि ये जो कॉलेज से जब ड्रॉप लिए थे, एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के चाहत में, फिर ना इनको ना वैक्यूम क्लीनर बेचना पड़ा था डोर टू डोर. वर्क विद द ग्रेन इंडिया. और इन्होंने मतलब कि इनको अवार्ड मिला है क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ एचपी का. इनको अवार्ड भी मिला है क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ एचपी का. यस, एचपी को तो आप लोग जानते हैं, है ना. इसके बाद ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ये पेप्सी और एमटीवी के लिए भी काम किए हैं और एशिया बेस्ट कमर्शियल ऑफ द डिकेड का भी अवार्ड इन्होंने मतलब कि मिला है. ओके, तो इनका नाम था क्या, महेश मूर्ति, सीड फंड के वन ऑफ द फाउंडर थे. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवीन तिवारी के बारे में. किसके बारे में, नवीन तिवारी. नवीन तिवारी इनमोबी के फाउंडर थे. नवीन तिवारी इज द फाउंडर ऑफ इनमोबी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मोबाइल एंड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क. द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के ये फाउंडर थे. ठीक है, तो मतलब ये दिस इज नो स्मॉल फिट एंड नवीन फील्स लॉट डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योर्स माइंड. नवीन को लगता है कि एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा. जैसा एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट रहेगा वैसा वो काम करेगा. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ द न्यू एज. नवीन तिवारी एक वन ऑफ द मोस्ट न्यू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मतलब ये माने जाते हैं. ठीक है, और यहां पे नवीन हैज इंस्पायर्ड मेनी टू ड्रीम इज बिग एंड अचीव थिंग. Entrepreneur usually thought to be out to their reach. यानी कि नवीन को वो सारे चीज मिला जो आजकल के entrepreneur लोग सोचते हैं कि वहां तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. सिंपल सा बात है. ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट. अब हम लोग बात करेंगे फानिंद्रा सामा के बारे में. फानिंद्रा सामा redbus.in का फाउंडर है, सीईओ भी है. ठीक है, फानिंद्रा सामा इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ redbus.in. आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट तो देखे ही होंगे. ये द लीडिंग ऑनलाइन बस टिकटिंग पोर्टल है.
यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बस का टिकट निकाल सकते हैं redbus.in पे जाके, ठीक है। तो ये 10 मिलियन बस टिकट सक्सेसफुली अभी तक अचीव कर लिया है इनके लीडरशिप के अंडर। इट इज अंडर हिज लीडरशिप दैट redbus अचीव्ड द फीट ऑफ सेटिंग 10 मिलियन बस टिकट्स। ओके, फानिंद्रा सामा इज बेटर नोन एज फानी, उसको हम लोग बोलते हैं फानी, इन द स्टार्टअप स्पेस हैज बीन एबल टू बिल्ड ए वास्टली सक्सेसफुल कंपनी। इसके बाद देखिए, इसके बाद सचिन एंड बिनी बंसल के बारे में पढ़ाएंगे। सचिन बिनी बंसल तो आप लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट का फाउंडर थे, अभी नहीं है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, अभी तो वॉलमार्ट ले लिया है फ्लिपकार्ट को। ओके, तो द बंसल्स आर द पोस्टर बॉयज ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। यानी कि बंसल्स जब आया था ना, अमेज़न का कुछ भी औकात नहीं था, फ्लिपकार्ट के सामने अमेज़न का कुछ भी औकात नहीं था दोस्तों। जब फ्लिपकार्ट को बंसल्स रूल करते थे, यानी कि सचिन बंसल और बिनी बंसल जब बैठे थे फ्लिपकार्ट में, तब वो इतना सक्सेसफुल था। और 2013-2012 के ईयर में मतलब ये फ्लिपकार्ट लाइक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। ओके, ऑल थ्रू मतलब ये माइट ए फ्यू कंट्रोवर्सीज ऑफ लेट, यानी कि बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज होने लगी, इसके वजह से यहाँ पे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट के हैंड में दे दिया गया, सिंपल सा बात है। फ्लिपकार्ट रिमेन्स द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेंचर इन इंडिया। फ्लिपकार्ट एक समय का बहुत बड़ा कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स वेंचर था, जहां पे हम लोग सामान खरीद सकते थे। आज उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, आज के जमाने में मतलब उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो योर स्टोरी विजिटेड द फ्लिपकार्ट्स बैंगलोर ऑफिस, मतलब ये ड्यूरिंग द फर्म्स अर्ली डेज एंड कॉट अप विथ द ड्यू देम, ठीक है। फ्रॉम देन ये टिल टुडे ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल, ये कपल्ड विद द मल्टीपल राउंड। यानी कि जिस तरह का ग्रोथ हुआ करता था पहले फ्लिपकार्ट का, उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी बढ़ चुका है, आजकल के जमाने में बढ़ चुका है, ठीक है। तो नो सरप्राइज दैट द बंसल ब्रदर्स आर द रोल मॉडल्स फॉर मेनी, यानी कि बंसल ब्रदर्स बहुत जन के लिए यहाँ पे रोल मॉडल साबित हुए हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में आई होप हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये यूनिट 1 खत्म हो जाएगा और यूनिट 2 चालू होगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं।